हमारे प्रशासक महोदय का अनुभव, प्रशासक महोदय के भारत सरकार के साथ संबंध और एक प्रमाणिकता काम करने के पीछे कि जहां पढ़ाई है जहां प्रदेश का विकास करना है, जहां विकास के साथ लोगों को जोड़ना है, वैसे समय वैसे बातों के ऊपर बिल्कुल ये फैसला हो जाए कि विकास को कोई समझौता ना हो। ये मैंने देखा, मैं तो इस प्रदेश का एमपी चुना हूं, लेकिन मैं प्रदेश के एमपी होने से पहले भी मैंने ये देखा कि साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश को अच्छा योजना लागू कराने के लिए। और हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम प्रदेश हमारे प्रदेश को मिलेगा, इस प्रदेश को मेडिकल कॉलेज मिले। मैंने मेरे एक दो भाषण में कहा था कि हम एक एक सीट के लिए भारत सरकार के साथ, चाहे वो एक तरफ से बोला जाए तो झगड़ा ही करते थे। ऐसी स्थिति में एक मेडिकल कॉलेज 160 सीट की मेडिकल कॉलेज मिलना तो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ काफी एमपी अपने अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की डिमांड करते हैं, वहां जब थिरुआ अगर होता है अस्पताल भी होता है तो सारे एमपी डिमांड करते हैं। तो मुझे याद आता है, साहब याद आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री याद आते हैं। ये सारी योजना का काम भी चल रहा है और आगे दिनों में हमें वहां देखने को मिलेगा। तो जो जो आज फैसले हुए हैं या भविष्य का चित्र है, भविष्य को हमें देखने को मिलेगा। इसलिए मैं प्रशासक महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हमारे देश के गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये छोटे से प्रदेश के ऊपर भी बिल्कुल उन्होंने ध्यान रखा। अभी मैं गया था मिलने उनसे, मुलाकात के दौरान पहले ही मुझे पूछा, जैसा आपके नोटिस में मैंने आया था तो पहले मुझे बोला कि गुजरात में मेरे से बात करे और मुझे कहा कि तुम्हारे कॉलेज मेडिकल कॉलेज में शुरू थे। मैंने तुरंत कहा कि नहीं साहब, मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू होने जा रही है। इसमें हमारे प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, प्रशासन महोदय का बहुत बड़ा सहयोग है और इसलिए मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रही है। इस अवसर पर हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश विकास के लिए जो योगदान दिया, उनका आभार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। इस शुभ अवसर पर आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मेरे लिए देखो खुशी की बात है, गर्व की भी बात है। इस प्रदेश की आजादी के बाद, इस प्रदेश की मुक्ति के बाद हमारे हमारे पिताजी, हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है कि हमारे परिवार की तरफ से मेरे पिताजी को भारत सरकार ने इस प्रदेश के एमपी नियुक्त किया गया था और उसके बाद लगातार 20 साल में इस प्रदेश का एमपी रहा और आज भी 20 साल के बाद लगातार 7वीं बार इस प्रदेश के लोगों ने मुझे वापस इस प्रदेश का एमपी बनाया है, सांसद बनाया है। मेरी जिम्मेदारी है कि आगे के दिनों में पूरा ध्यान रख करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मैं पूरा सहयोग प्रशासन से करूंगा। इस बात को मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं प्रशासन के हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, खास करके हमारे एसएससी यादव साहब का और हमारे जितने भी यहाँ समानता रहे उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सारे का योगदान रहा जिसकी वजह से हमारा प्रदेश यहाँ तक बढ़ा। अब मैं इस बार इस मौके पर हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश ने प्रगति की है, कहीं ना कहीं प्रदेश में विकास किया, उसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग जैसे हम बता रहे हैं बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, एक तरफ हमारा प्रशासन है तो एक तरफ हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है और दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है तो ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। और ऐसा ही काम प्रशासन और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया है। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ हमारे जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी यहाँ बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी मेहनत उनका योगदान की वजह से ही हमारे प्रदेश को मुक्ति मिली, प्रदेश आजाद हुआ है। और मैं
जो हमारे बीच में है उनको याद करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और जो हमारे बीच में नहीं है उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इस बात के हमारे इस बात का गवाह है कि आप ही आप लोगों की वजह से ही ये प्रदेश आजाद हुआ है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर इस शुभ अवसर पर रवाज में हम मुक्ति दिवस के रवाज के दिन आप ये टूगेदर का कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से हुआ है, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, मैं सवाल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरी पार्लियामेंट चल रही थी लेकिन मैंने सोचा कि प्रदेश का मुक्ति दिवस है, मुक्ति दिवस के अवसर पर मुझे लोगों के साथ रहना, प्रशासन के साथ रहना मेरी जिम्मेदारी है, ये सोच करके मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक बार फिर से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ साहब का, प्रशासक महोदय का, प्रफुल्ल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।